मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ फ्रांस सरकार का नया एक्शन क्या है? रूस ने यूरोप में नई मिसाइल तैनात करने पर क्या फैसला किया है? अमेरिका में क्यों बढ़ी है हथियारों की बिक्री? दुनिया की बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 दुनिया में। मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ अभियान चला रही फ्रांस की सरकार ने 51 मुस्लिम संगठनों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। फ्रांस सरकार का कहना है कि अगर इन संगठनों का संबंध इस्लामिक उपग्रंथी संगठनों से हुआ तो इन पर बैन लगाया जाएगा। इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ फ्रांस की कार्रवाई से पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान में हजारों लोगों ने फ्रांस के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ नारेबाजी की। पीएलए ने सैनिकों की ड्रिल का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पीएलए के सैनिक हथियारों के साथ लक्ष्य को तबाह करते नजर आ रहे हैं। युद्धाभ्यास में चीन की नौसेना भी शामिल हुई। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच होने वाली 24 मालाबार नेवी एक्सरसाइज दो चरणों में होगी। एक्सरसाइज का पहला चरण 3 से 6 नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में होगा। युद्धाभ्यास का दूसरा चरण नवंबर के मध्य में अरब सागर में होगा। रूस ने कहा कि वो यूरोप में फिलहाल लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल तैनात नहीं करेगा। रूस ने कहा कि जब तक अमेरिका और नाटो में शामिल देश यूरोप में लंबी दूरी की मिसाइल तैनात नहीं करते, वो भी ऐसी मिसाइलें तैनात नहीं करेगा। अमेरिका ने रूस पर लगाम लगाने के लिए यूरोप में लंबी दूरी की मिसाइल तैनात करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान में विपक्ष ने इमरान खान सरकार की घेरेबंदी और मजबूत कर दी है। विपक्षी गठबंधन पीडीएम के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग से देश में नए चुनाव कराने की मांग करते हुए इमरान सरकार से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले हथियारों की बिक्री तेजी से बढ़ी है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव से पहले 5 मिलियन लोगों ने पहली बार हथियार खरीदे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट के बाद हिंसा की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। अब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर पुंछ के शाहपुर सेक्टर में फायरिंग और गोलीबारी की। शाहपुर में पाकिस्तानी गोलों से कई मकानों को नुकसान पहुंचा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के सिंध के कराची में 13 साल की ईसाई लड़की का 44 साल के आरजू राजा नाम के अधेड़ ने अपहरण कर लिया। लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कर उसका निकाह आरजू राजा के साथ कराया गया। मामले के सामने आने के बाद कराची और इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन हुआ। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।